नमस्कार, आपका स्वागत। आज हम कबीरदास के एक दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास ये हैं, कबीरदास जी का तस्वीर। कबीरदास को बचपन में नीरू और नीमा का एक गरीब जुलाहा दंपति पालन पोषण करते थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। वे भाईचारा, सच्चाई, धार्मिक प्रचार करने के लिए कोशिश करते थे। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली थी। खड़ी बोली भाषा में यह दोहा लिखा है। जटंक कांटाब गई ताही बयत हो, सक फूल का फूल है बाको है तिरसू। आइए इस दोहे के शब्दों का कुछ अर्थ या शब्दार्थ को पहचानिए। मैं लिखता हूँ, यह है कबीरदास जी का दोहा। जतक कांटाब गई तक, इस शब्द का अर्थ है तुझको। कांटा, इस शब्द का अर्थ है कंटक। बुबई, इसका अर्थ है बोका है। ताही, इसका अर्थ है उसे। बोयो, इसका अर्थ है वो। बाको, इसका अर्थ है उसके लिए। रसूल, इसका अर्थ है प्रियसूल। ये तो शब्द का अर्थ है। इसको अधिक समझाने के लिए, इसका भाव को अधिक पहचानने के लिए, कबीरदास का भाव, कबीरदास जो भाव से लिखते हैं, जो भाव से कहते हैं, उसका भाव क्या है। जो तुमको कांटा गई, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, अर्थात जो तुम्हारा अमंगल करता है और तुम्हें विपत्ति में फंसने के लिए कोशिश करता है, जो आदमी उसके रास्ते में फूल बिछाना चाहिए, बोना चाहिए। इसका मतलब है उसका मंगल करना चाहिए, उसका मदद करना चाहिए। मदद करने से, मंगल करने से क्या होगा? ईश्वर तुम्हारा मंगल करेंगे। जो फूल बोता है
फूल का पौधा होता है और उस पौधे में फूल खिलता है। जो कांटा होता है, कांटा का पौधा पैदा होता है और कांटा त्रिशूल के रूप में होता है, इसीलिए कहा जाता है जो जैसा करना वैसा ही भरना। हमेशा परोपकार की भावना मन में रखना चाहिए। जब परोपकार की भावना मन में रखते हैं उनके लिए संसार में कुछ अभाव नहीं है। परोपकार करना अच्छा काम है, दूसरों के मंगल चिंता करना अच्छा काम है, दूसरों के प्रति बुराई भावना लाकर बुराई काम करना ये बुरी बातें हैं, बुरा काम है, बुरा फल मिलता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई चिंता करना चाहिए, दूसरों के प्रति उपकार करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए। रामचरितमानस में भी लिखा है, जिसके मन में परहित की भावना रहती है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तो इसीलिए कबीरदास दोहे से हम यह सीखना चाहिए कि हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहिए, दूसरों का मंगल करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन हमारा कर्म अच्छा होगा, हमको अच्छा फल प्राप्त होगा। यह शिक्षा कबीरदास हमें देते हैं कि दूसरों की प्रति अच्छा मनोभाव रखो और अच्छा काम करो, ताकि ईश्वर भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। आइए इस दोहे के पर कुछ प्रश्न मैं लिखता हूं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोशिश करो। अभी मैं लिख रहा हूं, यह तुम्हारे लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तुम दूसरे के रास्ते पर क्या बना चाहिए। दूसरा है, जो कांटा बता है उसे क्या मिलता है। तीसरा है, मन में कैसी भावना रखनी चाहिए। और चौथा है, परोपकार करना कैसा कर्म है। ये सहज प्रश्न को तुम उत्तर दे सकते हो, फिर भी मैं उत्तर बता देता हूं। तुम दूसरे के रास्ते पर क्या बना चाहिए, फूल। ये प्रश्न का उत्तर हो चुका है, जो कांटा बोता है उसे क्या मिलता है। कांटा ये भी हो गया, मन में कैसी भावना रखनी चाहिए, परोपकार की भावना रखनी चाहिए, परोपकार करना कैसा कर्म है, यह अच्छा कर्म है, परोपकार करना अच्छा कर्म है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।